2022 के अंदर इंडिया के अंदर एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च होने वाले हैं और लॉन्च हो भी रहे हैं, लेकिन डिजाइन के मामले में लोगों को शिकायत रहती है कि कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर बताने जा रहा हूँ जो एकदम सुपर लुक के साथ एंट्री करने वाला है। इस स्कूटर का नाम है हुस्क्वर्ना वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडिया के अंदर बजाज की फैक्ट्री के अंदर तैयार किया जा रहा है। साथ ही ये स्वीडिश प्रीमियम टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर हुस्क्वर्ना का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा जो कि बजाज के साथ बनाया जाएगा। और मैं आपको ये याद दिला दूं कि हुस्क्वर्ना ने मई 2021 में एक कॉन्सेप्ट मॉडल के रूप में वेक्टर को पेश किया था। अब उसी इलेक्ट्रिक स्कूटर का कंपनी प्रोडक्शन कर रही है और इसको लॉन्च के लिए तैयार किया जा रहा है। तो अगर आप लोगों को इस स्कूटर के बारे में जानना है तो भैया ये वीडियो पूरी एंड तक देखना। इस वीडियो में बताऊंगा कि इसके अंदर आपको फीचर क्या क्या मिल सकते हैं, इसका कॉम्पिटिशन कौन कौन से स्कूटर है, इसकी प्राइस क्या होगी, इसके अंदर स्पीड क्या होगी, रेंज क्या होगी, मैं सब बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ अपने वीडियो को। कंपनी की तरफ से मीडिया में इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हुस्क्वर्ना वेक्टर इंडिया में बजाज ऑटो के बैनर के अंडर में लॉन्च किया जाएगा और उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं ये भी बताया गया है कि बजाज इस स्कूटर को अपनी फैसिलिटी बना रहा है, मतलब अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कह लो या फैक्ट्री कह लो वहाँ बना रहा है। इस फैसिलिटी के अंदर बजाज कंपनी ने पहले ही कई स्कूटर बनाया है, जैसे कि चेतक इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया। इससे आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हो कि वेक्टर और चेतक इलेक्ट्रिक में कई स्पेसिफिकेशन और फीचर एक जैसे होंगे। और इसके साथ ही वेक्टर जब लॉन्च होगा इंडियन मार्केट में तो उसका जो कंपटीशन होगा वो सीधा सीधा होगा ओला की S1 प्रो से, एथर के स्कूटर से और TVS के IQ के साथ। हुस्क्वर्ना वेक्टर को लेकर माना जा रहा है कि बजाज चेतक की तरह ही पावर ट्रेन से लेस होगा। वहीं इसके अंदर 5.4 किलोवाट की DC मोटर दी जाएगी जो कि 3 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी के साथ काम करेगी। साथ ही इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंगल चार्ज पे 100 किलोमीटर की आपको रेंज दे सकता है और उसकी जो टॉप स्पीड होगी वो 70 किलोमीटर पर आवर की होगी। हुस्क्वर्ना वेक्टर इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर फ्रंट साइड में डिस्क ब्रेक और बैक साइड में ड्रम ब्रेक मिल सकते हैं आपको। इसकी वजह से जो आपका कंट्रोल है इस गाड़ी पे काफी मजबूती ही बना रहेगा अगर आप लोग खरीदते हो तो। वहीं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर सिंगल साइड फ्रंट फोक मिलेगा और बैक साइड में मोनोशॉक पोजीशन का शॉकर मिलेगा। इन सब के अलावा इस स्कूटर के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल का फीचर ही मिलेगा जो कि काफी एडवांस फीचर है। और उसके साथ इसके अंदर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंटी थेफ्ट अलार्म, रिवर्स मोड और भी कई सारे फीचर मिलेंगे। और अगर मैं इस स्कूटर की प्राइस की बात करूँ तो इसकी जो प्राइस हो सकती है लॉन्च होने के बाद हो सकती है 1,30,000 रुपये, जो कि ऑब्वियसली बात है शोरूम होगी, ऑन रोड आते आते आपको थोड़ी आगे पीछे बढ़ेगी, मगर इस पर आपको सब्सिडी जरूर मिलेगी। और इसके लॉन्च को लेकर कंपनी ने अभी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, अगर आएगी तो मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा। तो अगर आप लोग को इसके बारे में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भैया जो लाल बटन दिख रहा है आपको सब्सक्राइब वाला उसे तोड़ दो, कबड्डी खेलो, कुश्ती खेलो। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, अगर चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो से वित्त है, वीडियो अच्छी लगी, मीटिंग लगी तो आपको पता क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।